नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्रीय संगीत विद संजना में। आज हम चार ताल और एक ताल की तुलना करेंगे। आइए पहले इन दोनों तालों की समानताएं जानें। चार ताल और एक ताल दोनों ही 12 मात्राओं की ताले हैं। इन दोनों तालों में 6 विभाग होते हैं। चार ताल और एक ताल इन दोनों ही तालों में 1, 5, 9, 11 पर ताली और तीसरी और सातवीं मात्रा खाली होती है। इन दोनों तालों का प्रयोग स्वतंत्र वादन यानी सोलो वादन के लिए किया जाता है। एक ताल से गायन की संगति होती है और चार ताल से भी गायन की संगति होती है। ये दोनों तालें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की हैं, कर्नाटकी पद्धति की नहीं। चार ताल और एक ताल दोनों ही तालों में टुकड़े, परन व रेले बजाए जाते हैं। आइए अब इन दोनों तालों की विभिन्नताएं जानें। चार ताल मुख्यतः पखावज की ताल है। एक ताल मुख्यतः तबले की ताल है। चार ताल में ध्रुपद गाया जाता है और एक ताल में ख्याल गाया जाता है। चार ताल खुले बोलों का ताल है, जबकि एक ताल मुलायम व बंद बोलों का ताल है। चार ताल में कायदा, पेशकारा और पलटे नहीं बजाए जाते। एक ताल में कायदा, पेशकारा और पलटे बजाए जाते हैं। चार ताल प्राचीन ताल है। एक ताल मध्यकालीन ताल है। चार ताल का ठेका इस प्रकार है: धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, किट, तक, गदि, गन। एक ताल का ठेका इस प्रकार है: धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना।